Okay, thank you all for joining in for our third and final session of the day. If somebody is in the waiting room when I begin the presentation, when I start sharing the screen, to please mujhe muttala kar dijiyega, kyunki wo yahan phir nazar nahi aata screen sharing ke waqt, generally speaking. Okay. Once again, mic check 1, 2, 3. I hope you guys can all hear me. Yes, sir. Great. So, soap operas, जो है ये term आपने किसी ने सुनी भी है? Soap opera. No, sir. Opera मालूम है क्या होता है? ओपरा मालूम है? नो सर, कोई नॉलेज नहीं है. ठीक, कोई बात नहीं. सोप मालूम है? सोप तो मालूम है ना? जी जी बिल्कुल सर. अच्छा, ओपरा वो होता है, एक स्टेज पे एक शो होता है जिसमें बेसिकली एक या एक से ज्यादा सिंगर्स कोई, जैसे स्टेज शो नहीं होता इस तरह का, परफॉर्म करते हैं, मगर ओपरा में ओपरा सिंगर जो है, मेल और फीमेल, वो गा गा के अपनी लाइंस जो है प्रोनाउंस करते हैं. आप यूट्यूब पे देखिएगा, आपको ओपराज मिल जाएंगे. तो सोप से इसका क्या ताल्लुक है? टेलीविजन से भी पहले रेडियो जब अमरीका में कॉमन हुआ तो रेडियो पे ड्रामे चलते थे, और ये रेडियो पाकिस्तान भी इस तरह से ड्रामे चलाता रहा है. पता नहीं आजकल चलते हैं नहीं, मगर एक जमाने में जरूर चलते थे. तो बजाय कि स्टेज पे ओपरा हो रहा हो, वो रेडियो पे जो है ऑडियो के जरिए से पेश किया जाता था. टेलीविजन तो बाद में आया, तो फिर वो ओपरास जो है, जो कि स्टेज पे होते थे, वो टीवी पे भी दिखाए जाने लिए. और फिर ये हम टीवी टाइप के ड्रामे, जैसे मैं कह रहा था, जिसमें बस जज्बात ही जज्बात जो है ना, यानी कोई बहुत कम मुझे इस किस्म के ड्रामों में नजर आता है कि कोई अकल और समझ की रैशनल इंफॉर्मेशनल बात हो रही हो, बस इमोशंस ही इमोशंस है हर चीज में. मतलब कोई नॉर्मल बात तो हो ही नहीं सकती. हर चेहरे पे जज्बात हैं, हर मौके पे जज्बात हैं, सारे फैसले जज्बाती हो रहे हैं, ठीक है ना. तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने, P&G जो कंपनी अब कहलाती है, एरियल जो बनाते हैं और दूसरे अशिया बनाते हैं, इन्होंने रेडियो के ऑपराज को स्पॉन्सर करना शुरू किया. हेंस द वर्ड सोप. तो वो सोप ऑपराज के नाम से मशहूर हो गए कि सोप कंपनीज, बिलखसूस प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उनको स्पॉन्सर करती.
अब ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट की मिसाल डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि वो रेडियो के ड्रामे में ये नहीं है कि बताएं कि हमने जो है ना वो सेफ गार्ड से जो है हम नहाए तो हमारे ये हुआ, नहीं। ये बात हो रही है प्रोडक्ट, ये बात हो रही है कि अपने प्रोडक्ट के इश्तिहार जब आएगा कमर्शियल ब्रेक में रेडियो की, तो उसका असर क्या होगा। तो आप ये सोचें कि ये सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इन ऑपरास को स्पॉन्सर करना क्यों शुरू किया। ये सोप ऑपरास रेडियो के वो भी बड़े इमोशनल होते थे, टेलीविजन पे भी होते हैं। आइडिया ये है कि जब लिसनर है रेडियो पे या व्यूअर है टेलीविजन पे, जब वो एक जज्बाती डायलॉग सुनेंगे या जज्बाती ड्रामा देखेंगे, तो उनके जज्बात भी जो है उजागर होंगे या उनके जज्बात जो है वो भी उभर के आएंगे। लेट से आप कोई रोमांटिक ड्रामा देख रहे हैं, आपके जहन में हो सकता है रोमांटिक ख्याल आता है, आप कोई बड़ा सैड ड्रामा देख रहे हैं, ट्रेजिडी देख रहे हैं, तो आप हो सकता है डिपेंडिंग कि आप कितने इमोशनल हैं, बाज़ दफ़ा आंसू आने लगते हैं, बाज़ लोग रोने भी लगते हैं ड्रामा देख के। तो ये कंपनियां ऐसे शोज़ को स्पॉन्सर इसलिए करती थीं कि लिसनर या बाद में जब टेलीविज़न मीडियम आ गया व्यूअर, वो जज्बाती हो जाए, ताकि जब कमर्शियल ब्रेक आए तो वो तैयार हो, उनका दिमाग और उनका दिल वो मैसेज रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये बड़ी यानी साइकोलॉजी की बात है, यानी खबर के खबरनामे के बीच में कोई इश्तिहार आए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक जज्बाती ड्रामे के बीच में कमर्शियल ब्रेक में कोई इश्तिहार चले उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप समझ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि हम ये प्रमोशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रमोशन में जनरली दो रास्ते समझे जाते हैं कस्टमर के माइंड में या उसके थॉट्स में, उसकी फीलिंग्स में आने के लिए। एक सेंट्रल रूट कहलाता है, मरकजी रूट, सेंट्रल रूट। सेंट्रल रूट में क्या होता है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स और इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, आप कस्टमर के थिंकिंग को अपील करेंगे। मगर ज़्यादातर कंपनियां आप देखें कि इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। अभी जैसे पिछला जो हमने क्लिप देखा था पिछले सेशन में इमोशनल अपील्स का, उसमें कोको कोला की कैंपेन के जिक्र था, जिसमें उन्होंने बोतलों पे लोगों के नाम लिखे हुए थे, 1000 नाम अमेरिका में किए होंगे, यहाँ पता नहीं इतने किए होंगे या कितने नाम किए होंगे। तो ये यकीनन हुआ कि लोगों ने जो है वो अपने नाम की बोतलें खरीदी, अपने दोस्तों के चाहने वालों की बोतलें खरीदी, उनकी तस्वीरें लेके वो शेयर की, तो इम्पल्स बाइंग जो है वो बढ़ गई। ठीक है ना, अब वो नाम का ताल्लुक होना, नाम का बोतल पे होना, उससे उस प्रोडक्ट के जो परफॉर्मेंस है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये अपील थी कस्टमर की फीलिंग्स को, ठीक है ना, बजरिया इमेजरी, अगेन ब्रांड पिरामिड को अगर आप जहन में रखें क्या मैंने अपील करें। तो दूसरा जो रूट होता है कस्टमर के में को कन्विंस करने का, वो कहलाता है, पहला तो हो गया सेंट्रल रूट, थिंकिंग वाला रूट, लॉजिक रैशनल फैक्ट्स का रूट। दूसरा कहलाता है पेरिफेरल रूट। पेरिफ्री का मतलब होता है कि कोरों पे, एज पे, साइड से जो है, तो वो पेरिफेरल रूट जाता है हमारे इमोशनल सेंटर्स में। तो हमारे जो इमोशंस है सारे अच्छे इमोशंस, और जिन्हें हम बुरा इमोशन कहते हैं, अच्छे इमोशंस में हैप्पीनेस, लव, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वार्मथ, एक्साइटमेंट, ठीक है, ये आ गया ब्लिस का स्टेट हो गया अगर आप लकी हैं। और नेगेटिव इमोशन में तो जाहिर है एंगर और फियर और सैडनेस, डिप्रेशन, वरी, एंग्जाइटी, ये सारे इमोशंस जो आ जाते हैं। तो डिपेंडिंग है आपका प्रोडक्ट क्या है और आपने अपील क्या चुनी है, इमोशंस को, पेरिफेरल रूट को यूज किया जाता है अक्सर कस्टमर को इम्पैक्ट करने के लिए। ठीक है जी, बैक टू प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो है उसमें आप अपना प्रोडक्ट फिल्म मेकर या ड्रामा सीरियल के लिखने वाले या फिल्माने वाले के से अग्रीमेंट करके अपना प्रोडक्ट आप प्लेस करवाते हैं। तो ये फिजिकल प्लेसमेंट नहीं है, ये फिल्म या ड्रामे
या रेयर केसेस में नॉवेल में उस प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं यूज जो है बैकग्राउंड में या डायरेक्टली यूज जो है वो दिखाया जाता है। ये एक बड़ी पुरानी मगर बड़ी अच्छी मिसाल है, एक मूवी थी ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल 1982 की। तो इसमें इन्होंने मार्स कंपनी जो है जो M&M बनाती है उनसे कहा था कि हम तुम्हारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल चाहते हैं। सीन था कि वो ईटी जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है एलियन है वो बच्चा उसे बुलाना चाह रहा होता है तो एलियन डर रहा होता है, बड़ा सॉफ्ट कडली सा एलियन दिखाया है, तो वो आता नहीं है। तो वो इनका ख्याल था कि हम M&M की जो कैंडीज हैं वो बच्चा रखेगा तो M&M खाता हुआ जो है एलियन बाहर आ जाएगा तो बच्चे से मिलने जहाँ वो छुपा हुआ। तो मार्स वालों ने तो रिफ्यूज कर दिया। तो रीज़ेस पीसेस, ये एक पीनट बटर एक चीज होती है उसकी कैंडी एक होती है, यहाँ भी शायद कुछ स्टोर्स में आपको मिल जाए। तो वो उन्होंने उनसे अग्रीमेंट करके M&M कैंडी के बजाय रीज़ेस पीसेस बच्चा जो है वो रखता है मुख्तलिफ डिस्टेंस के साथ और वो एलियन उन्हें खाता हुआ जो है वो आ जाता है। तो आप ये देखें कि 65% जो है वो उस कैंडी की सेल जो है वो बढ़ गई आफ्टर दैट मूवी, ठीक है ना। तो ये इश्तिहार नहीं है, ये प्रमोशन की एक किस्म है, इनडायरेक्ट इश्तिहार समझ लें प्रोडक्ट प्लेसमेंट ये कहलाता। अच्छा, ये मैड मैन एक सीरीज है, अगर आपने देखी हो या देखिएगा, मैंने भी चंद ही एपिसोड इसके देखे हैं क्योंकि वो इतनी रियलिस्टिक नहीं है। ये मैड मैन ये पागल आदमियों के बारे में नहीं है, ये मेडिसन एवेन्यू अमेरिका में है, जैसे वॉल स्ट्रीट है फाइनेंस के लिए इसी तरह मेडिसन एवेन्यू एडवर्टाइजिंग की एजेंसीज वहाँ बहुत थी न्यूयॉर्क में, तो वो उस लिहाज से मैड मैन जो है वो इन्होंने नाम रखा है। 1950s का मेरा ख्याल है दिखाया है इन्होंने, 50s या 60s का, कि किस तरह से एडवर्टाइजिंग उस जमाने में होती थी। बट अगेन क्योंकि मैं रियल लाइफ में देख चुका हूँ तो वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक मुझे लगता है जो वो दिखा रहे हैं। बहरहाल बड़ी पॉपुलर सीरीज ये रही। तो इसमें आप देखें कि चेस मैनहट्टन बैंक, हिल्टन होटल्स, ये 80 क्रॉस ये पेन बनाते हैं एक्सपेंसिव जो है, हाइनेकन बियर बनाते हैं, इन्होंने जो है इस सीरीज में अग्रीमेंट के साथ अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करवाया। वंस अगेन प्लीज कीप इन माइंड, अगर ये डेफिनेशन आए एग्जाम में तो इसको आप प्लेस से मत कंफ्यूज कर दीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है ना। अच्छा, 12 लोग आए हुए हैं और सिर्फ आई थिंक 9 लोगों ने अपना नाम या रोल नंबर उसमें लिखा है चैट विंडो में, प्लीज वहां लिख दीजिए जिन्होंने लोगों ने नहीं लिखा है। अच्छा जी, BMW ने जेम्स बॉन्ड की फिल्म के साथ कोलैबोरेट किया है एंड सो ऑन सो फॉर्थ। मैड मैन में कैडिलैक गाड़ी, कोडैक जो अब तो खैर कंपनी बैंकरप्ट हो गई बेसिकली, और पोटैटो चिप्स का एक ब्रांड वुड्स के नाम से, और दर्जनों और ब्रांड्स हैं जिन्होंने दिखाया। नाउ कीप इन माइंड कि हर ब्रांड जो आपको हर मूवी या ड्रामे में नज़र आ रहा है वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट नहीं है। ये एक मूवी थी टॉम हैंक्स की, जो एक्टर हैं आई थिंक क्या नाम था, कैस्ट अवे शायद नाम था, कि उसमें ये UPS जो कुरियर सर्विस है उसके, ये UPS या DHL की आई थिंक UPS के कुरियर सर्विस के ये पायलट होते हैं, तो जहाज़ ये ले जा रहे होते हैं, जहाज समंदर में क्रैश कर जाता है और ये बह के जो है एक जजीरे पे आ जाते हैं जहाँ कई साल ये गुजारते हैं। तो उसमें बड़ा प्रोमिनेंट दिखाया गया था DHL या UPS जो भी ब्रांड था, मगर ऑब्वियसली जहाज से क्रैश दिखाया है तो कंपनी का ना कोई स्पॉन्सरशिप थी उस फिल्म में और ना ही जो है वो ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट की मिसाल होगी। तो बार दफ़ा फिल्म मेकर्स या ड्रामा प्रोड्यूसर, सीरियल प्रोड्यूसर जो हैं वो कोई प्रोडक्ट के ब्रांड वैसे ही रख लेते हैं। अब पाकिस्तान में जो इसकी सबसे ब्लेटेंट मिसाल, ये क्लियर मिसाल देखिए, ये व्हर्लपूल एक कंपनी है जो कि वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस बनाते हैं। तो इन्होंने एक ड्रामा सीरियल निकाला था, उसका नाम में ही इन्होंने अपना ब्रांड नेम रख दिया था, मेरा घर एक व्हर्लपूल। व्हर्लपूल कहते हैं जो पानी में
कोई बहुत लार्ज बॉडी ऑफ वाटर हो तो बास जगह पे भंवर बन जाता है, जिसे कहते हैं पानी चक्कर खाता हुआ नीचे जाता है, वो वर्लपूल है। तो उसमें मुख्तलिफ मतलब उनके घर में हर वक्त हलचल ही रहती थी, एक वर्लपूल में जैसे एक हलचल रहती है, और ऑफकोर्स कमर्शियल ब्रेक में वर्लपूल के इश्तहार भी आते थे। तो ये हो गया प्रोडक्ट प्लेसमेंट। पीओपी पॉइंट ऑफ परचेस है, नॉट पॉइंट ऑफ पैरिटी, यहाँ पे इसको पीओपी कहते भी नहीं है। पॉइंट ऑफ परचेस डिस्प्लेज होते हैं, पॉइंट ऑफ परचेस एडवर्टाइजिंग होती है कि जहाँ आप चेकआउट कर रहे हैं बेसिकली, या दुकान में आइल्स में वहाँ पे जो है आपको जो प्रमोशनल कंटेंट मिलता है वो पॉइंट ऑफ परचेस प्रमोशन कहलाता है। और बड़ा ये यूजफुल होता है क्योंकि लेट से कस्टमर ने आपका इश्तिहार देखा हुआ है, तो पॉइंट ऑफ परचेस पे जब आपके कोई वो देखेंगे तो रिमाइंडर के तौर पे सर्व होगा। अगर कस्टमर शॉपिंग लिस्ट बना के लाए हैं और आपका आइटम रह गया है तो वहाँ आपका पॉइंट ऑफ परचेस पे डिस्प्ले देख के उनको याद आ जाएगा, अरे भाई ये चीज़ भी खरीद। क्योंकि असल मकसद देखें वही है, उसे कुछ क्लासेस में देखा है कि हाँ भाई आज क्या पढ़ाया सर ने, भाई वही पढ़ाया पी इज इक्वल टू आर माइनस सी पढ़ाया, और उस पर हंस रहे होते हैं स्टूडेंट, हंसते रहे। कंपनी जो है वो प्रॉफिट बनाने के लिए बनी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं अपनी डिग्री में या जो हम इस कोर्स में बिलखसूस पढ़ रहे हैं, वो उस इक्वेशन से बाहर नहीं जा सकती। जो आप एक्शन लेंगे वो या तो उसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पे होगा मेंटेन करने में, या उसकी डिक्लाइन को कम करने में, या आइडियली बढ़ाने में, और उसका लाजमी इम्पैक्ट कॉस्ट पे होगा, कॉस्ट को मेंटेन करने में या कम करने में। कॉस्ट बढ़ती भी जाती है मगर फिर रेवेन्यू जो है वो बढ़ना चाहिए ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। ये मैडमैन जो वो टेलीविजन सीरियल्स है उसका ये एक स्टिल है, स्टिल शॉट है, स्क्रीन शॉट है। आप में से देखा है किसी ने ये सीरीज मैडमैन की? नो सर। कौन सी सीरीज आप लोग देखते हैं अगर आप शेयर कर सकते हैं? गेम ऑफ थ्रोन्स जो चलता था तब, या अभी आजकल चल रहा है कौन सा बड़ा पॉपुलर है? मनी हाइस्ट। डू यू वॉच एनी ऑफ दीज आप में से कोई भी? कोई भी कोई सीरियल नहीं देखता? चलिए बहुत अच्छा है, पढ़ते रहते हैं आप लोग, वेरी गुड। अच्छा भाई अब आ जाते हैं सेल्स प्रमोशन पे। यहाँ उन्होंने खाली इसको प्रमोशन लिखा है हेडिंग में, यहाँ इन्होंने सही उसकी जो पूरा नाम है वो लिख दिया, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि एक फॉर्म ऑफ प्रमोशन को दूसरी फॉर्म ऑफ प्रमोशन से आप डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो सेल्स प्रमोशन का मकसद ही यही है कि सेल्स को प्रमोट करना, यानी सेल्स को शॉर्ट टर्म में बढ़ाना, ठीक है, टू इनकरेज ट्रायल और यूजेज ऑफ अ प्रोडक्ट, या टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स। तो बाय वन गेट वन फ्री, 20% प्राइस डिस्काउंट, ये 70% डिस्काउंट जो आइडियाज का आ रहा है गुल अहमद का, ये मैं मिसाल बता रहा था, अप टू 70% ऑफ, 50% ऑफ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये डील्स आती रहती हैं दराज 11-11, 12-12, एक घंटे की भी डील्स आती हैं बाज़ दफ़ा। तो ये उनका मकसद ये होता है कि उस दौरानिए के लिए जिस वक्त वो सेल्स प्रमोशन की कैंपेन चल रही है उस दौरान की सेल्स बढ़ जाए। अच्छा ये बताइए सोच के कि अगर एक महीने की सेल्स का टारगेट आपका लेट से 100 है और आपने सेल्स प्रमोशन चलाई और 120 यूनिट्स बिक गए साल के तौर पर, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो अगले महीने की सेल्स पे आएगा या नहीं आएगा? सर दोबारा बताइएगा सवाल क्या आपका? सवाल मेरा यह है कि आज आपने एक सेल्स प्रमोशन की कैंपेन चलाई बिक्री बढ़ाने के लिए, ठीक है, ओके जी जी जी। अब नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है आपका सेल्स का, लेट्स से आप वीकली मंथली क्वार्टरली सेल्स जो भी आप ट्रैक रख रहे हैं, नेक्स्ट जो आपका पीरियड है
सेल्स का, उस पे ये जो ज्यादा बिक्री हो गई उसका इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा भी, लेकिन जो सेल्स पहले हो चुकी उसको कंपेयर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट, यानी कि जब न्यू सेल की जाती है, जो प्रीवियस होती है सेल्स का रिकॉर्ड, उसको उसके साथ कंपेयर किया जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंस निकालने के बाद डिसीजन लिया जाता है। ठीक है। और इसमें आप तो खैर माशाल्लाह काफी अरसे से प्रैक्टिशनर हैं, आप वो है ना मैकडॉनल्ड में जो काम कर रहे हैं? जी बाज दफा ये होता है कि मजबूरी भी होती है, अगर दूसरे लोग सेल्स प्रमोशन कैंपेन चला रहे हैं तो आपकी सेल्स अफेक्ट हो जाएगी, तो आपको भी सेल्स प्रमोशनल कैंपेन चलानी पड़ती है। तो इसमें मसाइल ये हैं कि बाज दफा कस्टमर्स फिर आदी हो जाते हैं कि वो प्रमोशन का इंतजार करते हैं। कुछ लोगों ने जी देखा है, जैसे ये आउटफिटर्स है, आउटफिटर्स में गए प्रोडक्ट देखा और छोड़ दिया कि नहीं जब सेल पे आएगा ये आइटम। अब उसमें एक चांस होता है, हो सकता है वो आइटम सेल पे ना आए, मगर वो इंतजार कर रहे जी होते हैं कि जी सेल पे आएगा तो जो है वो खरीदेंगे। ठीक है, आपके अपना क्या तजर्बा रहा है साकिब, कि आपके ब्रांड जब कोई प्रमोशनल कैंपेन चलाते हैं तो उसमें सेल्स का जो अपटेक होता है तो उसका नेक्स्ट सेल्स जो वो है पीरियड, उसमें कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं फर्क पड़ता, कंसिडरिंग आपका जो फूड आइटम है? जी फूड आइटम पे सर ज्यादा आता है एज कंपेयर टू अदर्स। नहीं, यानी प्रमोशन तो कामयाब हो जाती है आपकी, जो उसके बाद का पीरियड होता है जब प्रमोशन खत्म हो गई, उसमें कुछ सेल्स में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या सेल्स नॉर्मलाइज हो जाती है जितनी पहले थी प्रमोशन से पहले? नॉर्मल हो जाती है सर, लेकिन जो प्रमोशन है ना आती रहती है, रुकती नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं। बर्गर किंग है, KFC है, उसके अलावा एग्जैक्टली पिज्जा हट वाले हैं। हाँ, तो वो एक थोड़ी सी मजबूरी भी हो गई है कि भाई कैंपेन्स हमें चलानी है, क्योंकि आप जी ही चलाएंगे तो दूसरे। ठीक है भाई, आपकी रिपोर्ट से मुझे बहुत तवक्को है, उम्मीद है कि आप उस पर मेहनत कर लेंगे। नहीं, आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो माशाल्लाह बहुत होगी, एक्सपीरियंस भी आपका बहुत अच्छा है, बट उसको कंबाइन करके रिपोर्ट लिखना ये जरा सा ध्यान में रखिएगा। वंस अगेन, मैकडॉनल्ड्स पे बहुत सारे ब्रांड ऑडिट्स आपको मिल जाएंगे, हमारी किताब में भी जो है उस पर वो क्वेश्चनेयर भी पूरा है, तो वो खास तौर पे आप अवॉइड कीजिएगा, वो रुझान जो दूसरे स्टूडेंट्स में होता है कि बनी बनाई रिपोर्ट को जो है वो अपना नाम लिख के चला दिया। तो आपकी समझ भी है माशाल्लाह, और जब से आपने मुझे बताया कि आप काम करते हैं आपको सब पता भी है, तो आई होप कि बड़ी अच्छी रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये कुछ रीजंस हैं क्यों ग्रोथ हुई 90s 80s में, और सेल्स प्रमोशन के डिसएडवांटेजेस हैं, ब्रांड लॉयल्टी बाज दफा कम हो जाती है क्योंकि लोग फिर प्रमोशंस ही देख रहे होते हैं कि जिसकी प्रमोशन चले जनरली स्पीकिंग वो उसकी तरफ हम चले जाएंगे, अगर ब्रांड्स को वो इक्विवेलेंट समझते हैं, ज्यादा डिफ्रेंशिएट जो है वो नहीं करते, ब्रांड स्विचिंग जो है वो इनकरेज हो जाती है, उससे क्वालिटी का परसेप्शन बाज दफा आ जाता है कि इन्होंने स्कीम चलाई क्यों है। और अक्सर जो मैं कल भी बात कर रहा था कि अप टू 50% 70% ऑफ आप दुकान में जाएं तो पता चलता है कि वो डिस्काउंट वाले आइटम वो बिन में पड़े हुए हैं एक में, जो कि बिके ही नहीं क्योंकि उनका डिजाइन पुअर था या उनमें कोई माइनर क्वालिटी के डिफेक्ट थे। तो सेल्स प्रमोशन से बाज दफा बाज कैटेगरीज में क्वालिटी के परसेप्शन भी खराब हो जाता है, प्राइस सेंसिटिविटी बढ़ जाती है लोगों की, अगेन वो इंतजार करते हैं कि डिस्काउंट कब आएगा। सर, मैकडोनल्ड्स में ये होता है कि जब जो कोई प्रमोशन आती है ना, जब वो चल जाती है ना, तो उसको रेगुलर मेन्यू में ऐड कर देते हैं उसकी परफॉर्मेंस देख के। ये तो आप कोई नए प्रमोशनल आइटम की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, ठीक है। वो ये क्योंकि मैं क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को डिटेल्स नहीं पता, तो आप ये नहीं कह रहे कि अगर कोई डिस्काउंट स्कीम आई हुई है तो वो परमानेंटली मेन्यू का आइटम बन जाता है, रादर देन कोई नया आइटम जो आया हो। कोई मिसाल बताइए जो कि फिर मेन्यू का हिस्सा बन गया हो प्रमोशनल में कामयाबी के बाद। सर, एक न्यू प्रमोशन अभी आई थी, ग्रैंड चिकन स्पाइसी एक बर्गर है, उसमें दो फ्लेवर थे, एक चिपोटले था और एक मायोनीज था। ठीक
तो वो लिमिटेड टाइम ऑफर थी, वो खत्म हो गई, अब उसको रेगुलर मेन्यू में ऐड कर दिया, वो कंटिन्यूसली चल रही है वो भी, और बहुत ज्यादा जो है ना उसकी ज्यादा सेल्स हो रही है। कौन से वाले की जरा दोबारा बताइएगा, मेरी अटेंशन जरा। मैक ग्रैंड मैक क्रिस्पी। तो ये आप उससे कंपीट कर रहे हैं केएफसी का, जो इनका कौन सा है, चिकन का एक बहुत बड़ा, कौन सा है इनके, आई थिंक एक्सट्रीम के नाम से कोई है, ये किसके कंपटीशन में आप लाए थे, यानी केएफसी के कौन से उसके लिए? सर ये बीके और केएफसी, बर्गर किंग और केएफसी सर। हाँ नहीं नहीं, वो तो ब्रांड सही है, मगर उनका कोई स्पेसिफिक जो उनकी ऑफर थी उसके लिए लाए होंगे ना टक्कर में। वैसे तो केएफसी का भी मैक क्रिस्पी है, मैकडोनल्ड्स का भी है। हाँ तो खैर एनीवे, हमें अलग से डिस्कशन करना चाहिए, फिर ये हम दोनों का डिस्कशन बन जाएगा बजाय के क्लास का। ओके मूविंग ऑन, एक और लास्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सेल्स प्रमोशन बाज दफा ऐसे कस्टमर्स को सब्सिडाइज कर रहा होता है जो कि वैसे भी फुल प्राइस पे भी खरीद लेते हैं, तो वो आपका रेवेन्यू पोटेंशियल जो था उनसे वो गिर जाता है। बहरहाल इन तमाम डिसएडवांटेजेस के बावजूद सेल्स प्रमोशन जो है एक बड़ा यूजफुल और बड़ा रेगुलर टूल है आपके टूल किट में प्रमोशन करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, हैविंग सेड दैट, सेल्स प्रमोशन जो कर रहे हैं उसमें एडवर्टाइजिंग का लिंक आ जाता है, क्योंकि आप बताएंगे कैसे कि सेल्स प्रमोशन जो है वो हो रही है, वो इश्तिहार के जरिए से ही कस्टमर को बताएंगे, चाहे आप अखबार में अपना पैम्फलेट डाल रहे हो, SMS भेज रहे हो, TV पे इश्तिहार हो, दराज वाले जैसे TV पे और YouTube पे और सोशल मीडिया पे इन्होंने बड़ा प्रमोशन किया था लोगों को ये बताने के लिए कि भाई ये बड़ी सेल इनकी आने वाली है और बड़ा मेजर उनका अपटेक होता है सेल्स का। अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो मैंने सुना है कि वो ऑर्डर टेकिंग और प्रोसेसिंग और डिलीवरी में फिर उनके इश्यूज आते हैं, बट वो बहरहाल एक ऑपरेशनल इशू है। स्पीकिंग ऑफ विच, मार्केटिंग के लोग जो हैं वो तनाई में काम नहीं कर सकते, उन्हें ऑब्वियसली क्लोज कोऑपरेशन चाहिए होता है ऑपरेशनल जो साइड है उसमें, सप्लाई चेन, परचेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ों से क्लोज कोऑर्डिनेशन जो है वो चाहिए होता है। अच्छा जी, सेल्स प्रमोशन की दो इकसाम है, कंज्यूमर प्रमोशन जिसकी अभी हम बात करते रहे, और ट्रेड प्रमोशन जो बेसिकली होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए एक प्रमोशन होता है कि अगर वो इतने बल्क में बाय कर लेंगे इस दौरानिए में तो उन्हें क्या डिस्काउंट मिलेगा। तो बार दफ़ा तो सेल्स प्रमोशन में जो ट्रेड प्रमोशन होती हैं वो ग्राहक को नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेडर को पता है कि उसने अगर ज़्यादा स्टॉक ख़रीदा तो उसे क्या चीज़ मिलेगी। बाज़ केसेस में ट्रेड को, जो रिटेलर्स को मिसाल के तौर प्रमोशन हो रही होती है, वो कस्टमर को भी नज़र आ जाती है। रिटेलर को अगर कोई आपने एक्स नंबर ऑफ कार्टन्स ख़रीदने पर कोई डिस्प्ले का केस दे दिया तो वो कस्टमर को नज़र आ जाएगा। यहाँ एक दफ़ा मैंने अपने एरिया में शॉप्स में देखा कि लिप्टन और ब्रुक बॉन्ड गायब डिस्प्ले से, और टपाल ही टपाल जो है वो डिस्प्ले में भरा हुआ। तो ऑब्वियसली क्योंकि मार्केटिंग के नज़रिए से एक आदत हो गई है चीज़ों को देखने की, तो मैंने उनसे पूछा, शॉपकीपर से जो जानने वाले थे, मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये डिस्प्ले क्या है, तो उन्होंने बताया कि टपाल वालों ने एक स्कीम निकाली है रिटेलर्स के लिए कि जिसका डिस्प्ले सबसे अच्छा होगा, और वो तस्वीरें खींच के आपने भेजनी होंगी, तो उसको दुकान पे आफ्ताब टपाल साहब आएंगे, वहाँ उनको रिटेलर के साथ जो है वो क्लिप लिया जाएगा और इश्तिहार में जो है वो शामिल होगा, और उम्रे का टिकट जो है और कुछ और जो है इनामी स्कीमें जो है वो इनको दी जाएंगी, ठीक है। तो उस दौरानिए में ज़रूर टपाल की सेल्स जो है बढ़ी होगी। टपाल ने एक और हबीब ने और दूसरे कुछ लोकल कंपनीज ने अच्छी एक फाइट दी है मल्टीनेशनल कंपनीज को। मसला ये है खासतौर पे, साकिब आपने कभी मैकडोनल्ड से पहले किसी लोकल
फूड फ्रेंचाइज में काम किया था? नहीं सर, किसी में भी नहीं किया, ये फर्स्ट जॉब है। हाँ तो मगर आप कभी गए हैं ये कौन से है, बर्गर या डैंस ब्रोस्ट ये इस टाइप की जगहों पे? ये जो लोकल रेस्टोरेंट है, जो लोकल फास्ट फूड के हैं बर्गर के? जी जी गए हैं सर, एक दो दफा। ये टिप्पू बर्गर है दो तलवार पे। अच्छा, दो नहीं तीन तलवार वहाँ पे गए हैं सर। तो वहाँ क्या आपको लगा, मतलब उनके ऑपरेशंस वर्सेस आप लोगों के ऑपरेशंस? सर अगर कंपेयर किया जाए तो क्लीनिंग के हवाले से बात की जाती, लेकिन टेस्ट के हवाले से अगर बात करते हैं तो मैं ही कहता हूँ ये जो लोकल है ना, ये ज्यादा अच्छे हैं। हाँ देखिए, ये तो मशहूर है और ये आप कोई अनोखी बात नहीं कर रहे, वो आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी फास्ट फूड, तो फास्ट जब बनेगा फूड तो उसमें मतलब वो इतनी स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है, वो एक अच्छी चीज भी है कि दुनिया में कहीं भी आप मैकडोनल्ड्स खा लें उसका टेस्ट मोर और लेस सेम आपको मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन इतनी है। जो बाकी क्लास के मेम्बरान हैं साकिब अग्री करेंगे इस बात से कि वो पिकल की स्लाइस कितने मिलीमीटर की होगी वो स्पेसिफाइड है, पोटैटो कौन सी वैरायटी का होगा और उसको कैसे स्लाइस किया जाएगा ये स्पेसिफाइड है। यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 5 मिनट या कितने मिनट बाद बर्गर फेंक देना होता है अगर चे नहीं बिकाए तो? सर 5 मिनट के बाद वो एक ओईटी होती है जहाँ पे बर्गर बन के आता है, ऊपर से जो टंगस्टन के बल्ब लगे हुए होते हैं, 5 मिनट के बाद वो बर्गर वेस्ट कर दिया जाता है, वो जाता है कंप्लीट वेस्ट में जाता है जिसकी बाद में काउंटिंग होती है। ठीक ठीक बिल्कुल यही है। मैं मेरे एक दोस्त जो अमेरिका में शुरू में बहुत से वहाँ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, उन्होंने भी किया, मगर वो कह रहे थे कि हम फेंकते नहीं थे क्योंकि हम ये दो लड़के मुसलमान ही थे तो कह ले हम तो समझते थे इसे गलत, अब वो खा जाते थे, बचाते थे, क्या करते थे वल्ला आलम। तो बट यू आर राइट कि अगर काउंट हो रहे हैं अब तो वो तो फिर उसमें आ जाएगा कि अगर वो बर्गर चला गया तो फिर सेल्स काउंट। लेकिन सर 5 मिनट के बाद अगर वेस्ट भी हो जाता है वो क्वालिटी बर्गर की नहीं रहती है। Exactly. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने खैर बड़े ऑनेस्टली कह दिया कि शायद लोकल जॉइंट्स में जो बर्गर की क्वालिटी या टेस्ट है वो बेहतर है, बट वो क्लीनलीनेस वो नहीं है, वो एम्बियंस वो नहीं है, तो ब्रांड की इमेजरी जो है वो नहीं है, ठीक है ना? जी तो हमारे जी जी हमारे रेस्टोरेंट मैनेजर भी इस चीज को एग्री करते हैं कि ये रेड़ी वाला बर्गर ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू मैकडॉनल्ड के। हां देखिए ना, वो देसी टेस्ट में तो लिटरली जो ठेले पे बर्गर बिक रहा है बन कबाब वाला जो है वो भी बाकियों को बहुत अच्छा लगता है और उसकी वो प्राइस पॉइंट भी तो बहुत अच्छा है ना। अगर आप लोगों का इंटरनेशनल चेन्स का 500 का बर्गर है तो आपको 50 में मिल जाएगा, ठीक है ना? पॉइंट में ये कह रहा था कि ये केएफसी मैकडॉनल्ड्स पिज़्ज़ा हट के आने से पहले जो मैंने देखा था ये जैंस ब्रोस्ट और मिस्टर बर्गर का हाल बहुत ही बुरा था, जो अब है उससे भी मतलब 10 गुना बदतर हाल था, क्लीनलीनेस का, रूडनेस का, एटीट्यूड का, यू नो क्वालिटी की वेरिएशन का। ये बाहर की जब कंपनीज आई फास्ट फूड की तो इन्हें फिर बहुत देर से ये जागे और अभी तक कैचअप कर नहीं पाए ये उसमें। मिस्टर बर्गर ने जैसे मैकडॉनल्ड्स केएफसी का जो आपको मेन्यू का जो बड़ा सा डिस्प्ले होता है उसको कॉपी किया, पहले उनका ऐसा नहीं होता था, वो लेटरिंग से लिखा हुआ होता था। मगर एक रमजान में मेरा ये तजर्बा हुआ, अब कहने को ये फास्ट फूड है, मिस्टर बर्गर तारिक रोड पे, मैं फैमिली के साथ था तो रमजान में पार्किंग बस दफा मुश्किल होती है तो मैं गली में खड़ी करी आया, फिर हमने ऑर्डर दिया। ऑर्डर अच्छा, वो बच्चे मेरे साथ थे, छोटे थे उस वक्त, तो वो बच्चों की ख्वाहिश थी कि भाई ये टॉय क्या मिलेगा जैसे मैकडॉनल्ड्स में मिलता है, तो मैंने उनसे पूछा, उसको पता ही नहीं था, वो एकदम मजा का खेस सीन था कि काउंटर से वो एकदम नीचे बैठ गया, गायब हो गया। मैंने कि गया कहाँ, मतलब पीछे दराज में देख रहा था कि खिलौने कौन से पड़े हुए बच गए जो कि दिए जा सकते हैं। ऑर्डर दे दिया, अब हम बैठे हुए इंतजार में, फास्ट फूड के इंतजार में, इतने में एक साहब आए, कहने लगे जी फलाने नंबर की गाड़ी जो है वो मेरी गाड़ी को ब्लॉक कर रही है। तो मैंने वो मेरी गाड़ी है, वो गाड़ी हटाए, उन्होंने अपने टायर पार्क की वापस, फिर मैं वापस आ गया, तो 18 मिनट लगे होंगे खाना जो है डिलीवर होने में। बहुत सारी जो चीजें जो ये कर सकते हैं, यानी लोकल कंपनियां, मैं टपाल हबीब जिनसे
कंपेरिटर्स के तौर पे वास्ता पड़ता था लीवर्स में, अच्छी फाइट दी, कर सकते हैं। और जैसे आई थिंक मिडल ईस्ट में सऊदी अरब में खास तौर पे एलबैक है जिसने केएफसी को बड़े अच्छे फाइट दिए, इसी तरह मलेशिया इंडोनेशिया में लोकल चेन्स हैं जिन्होंने आप लोगों के जैसे चेन्स को फाइट दिए, तो कर सकते हैं, मगर क्यों नहीं करते ये मुझे समझ नहीं आता है कि उस लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी पे क्यों नहीं आ पाते। प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी है या सेठिया माइंडसेट है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर इसके लिए इन्वेस्ट भी तो बहुत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनिशिएटिव ही नहीं ले पाते। ये आपकी कंपनी की वो देखी है जिस पे मूवी बनी है, आई थिंक द फाउंडर के नाम से, आपको शायद जिक्र किया भी था मैंने पहले, किसके नाम से एक मिनट में कंफर्म कर लूं, द फाउंडर है मेरे ख्याल है ये, जी हाँ 2016 की मूवी है, स्टारिंग कौन है, एक बड़ा मशहूर एक्टर है, बैटमैन का भी रोल उसने प्ले किया है, तो ये मैकडॉनल्ड्स पे है, आप जरूर देखिएगा, और दूसरे जो क्लास के मेंबर्स हैं वो भी देखिएगा। तो इन्होंने हिस्ट्री बताई है, हॉलीवुड मूवी है तो उसमें जाहिर है कुछ चीजें इन्होंने थोड़ी सी ड्रामेटाइज कर दी होंगी, बट रे क्रॉक जो साहब थे जिन्होंने मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से फ्रेंचाइज, मतलब उनका नाम और उनका जो स्टाइल था वो खरीद लिया था, फिर इसको फ्रेंचाइज बढ़ाया, तो फ्रेंचाइज बनाने के लिए तो बहुत पैसे और वो एफिशिएंसी चाहिए, मगर वो मैकडॉनल्ड ब्रदरान जो थे जब वो अपनी एक शॉप चला रहे थे वो कैसे चलती थी, वो तो जो दो भाई हैं जैसे कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो, उन्होंने फ्रेंचाइजिंग तो आप जरूर देखिएगा, मे बी यूल एंजॉयड, और बाकी क्लास मेंबर्स भी देखें तो उन्हें शायद इसमें मजा आए। सर ये दोनों भाई थे ना मैक एंड डोनाल्ड? नहीं मैक एंड डोनाल्ड नहीं, मैकडोनाल्ड जो है वो एक स्कॉटिश क्लैन नेम है, ये एक नाम है, वो दोनों के अलग अलग नाम थे, आप देखिएगा। हमें तो यही बताया कि ये दोनों भाई थे। नहीं भाई तो थे, मगर एक का नाम मैक और दूसरे का नाम डोनाल्ड नहीं था, ये रिचर्ड जेम्स और मॉरिस जेम्स, ये इनका नाम था, तो इनका पूरा नाम होगा रिचर्ड जेम्स मैकडोनाल्ड और मॉरिस जेम्स मैकडोनाल्ड, तो मैकडोनाल्ड इनका जैसे खानदानी नाम नहीं होता है, या वालिद का नाम पे होगा जी। एनीवे बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपकी वजह से रहा, क्योंकि बाकी लोगों को तो बोलने के लिए कहना ऐसा लगता है कि बहुत ही मैंने उनको बुरी बात कह दी है। सो आवर टाइम इज नियरली अप, नेक्स्ट वीक देखते हैं, लेट्स सी के खुल रही हैं यूनिवर्सिटीज नहीं खुल रही हैं, या कुछ खबरें हैं कि वैक्सीनेशन कंपलसरी होगा फिजिकल उसके, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट रिपोर्ट का प्लीज उस पर कोशिश कर लें, 25% मार्क्स जा चुके, अब वो एडजस्ट होंगे आखिर में जैसे मैंने कहा है, मगर अभी 25% मार्क्स बाकी हैं और फिर जो है वो फाइनल होगा। जी साकिब। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो आपने रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था कब तक सबमिट करवानी है, क्योंकि ये बहुत लंबी रिपोर्ट। जी कल बात हो रही थी कि आप टारगेट करें कि 21 तारीख तक, क्योंकि 21 को हमें बताया गया है कि फाइनल शुरू होना, ठीक है? ठीक है, तो ये अभी दो हफ्ते हैं, दो हफ्ते में रिपोर्ट बन सकती है, अगर दो हफ्ते लगा दें कोई शख्स ये ग्रुप लगा, ठीक है ना? राइट फोर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू दोज़ हु अटेंडेड, और होपफुली सबने अपने नाम लिख दिए होंगे, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं कि क्या होता है, क्लासेस कहाँ पे होती हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।